अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काम की अपडेट मैंने कहा आपको दे दूँ, बड़े दिन हो गए जी, दो चार दिन आपको अपडेट नहीं दी। तो अपडेट ये है कि हमारे ये जो केजिस से ओल्ड, इनको हमने प्लस्तर करवा दिया हुआ है जनाब। ये देख सकते हैं आप, ये प्लस्तर हमारे हो गया, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अंदर से भी सारे माशाल्लाह से ये देखें, ये सब गंद भला कीड़े मकोड़े जो थे निकल गए। ये हमारी पहले की लगी हुई है फटियाँ लगाने के लिए, तो बीच में से ये पार्टीशन भी अभी निकलवाई थी, वो इंशाल्लाह ताला वो दोबारा लग जाएगी पार्टीशन, ठीक है। और पार्टीशन जो हमने निकलवाई पहले निकलवा देनी चाहिए थी, नहीं तो बड़ा ज़बरदस्त दीवार सीधी सीधी हो जानी थी, बीच में वो ये जरी सी रह गई है। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी ये माशाल्लाह से ये सारा प्लस्तर हमने करवा दिया, ठीक है। नीचे थोड़ी थोड़ी भी बनवा दी है, बनी बुनी, बाहर का पानी अंदर मार नहीं करेगा, ठीक है। अभी बाकी वो काम होना, और ऊपर इस टाइम जो है टाइलें शाइलें लग रही हैं, और नीचे भी काम जारी है सारी। ये काम भाईजान बहुत लंबा चौड़ा काम है, ये कोई घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, टाइम लगता है। तो बहुत से दोस्तों को लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा, पर जो लगना टाइम वो तो लगना ही है, तो इसकी टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। बाकी आज ऊपर जो है वो टाइलें लग रही हैं। अच्छा जी, हमारी जो है छत पे टाइलें शाइलें वो लग चुकी हैं, ये आपके सामने है जनाब। अब इनको जो है सीमेंट शीमेंट लगा के मसाला बना के, खपरा इसको कहते हैं, वो कर देंगे, उसके ऊपर फिर नूरू कस देंगे, तो इंशाल्लाह ताला अपना सिस्टम बेहतरीन किस्म का हो जाएगा। तो ये आज अपना जो है छत पे, अब इसको पानी शानी लग रहा है, इसकी तराई शराई हो रही है, दे रहे हैं इसको थोड़ा गीला शीला कर रहे हैं, अभी ऊपर मसाला डलना है इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन किस्म की डलवान रख दी है हमारे मिस्त्री साहब ने, तो वो तो कसर कोई नहीं छोड़ी, ठीक है। बाकी जो है अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, अब इसके ऊपर मसाला शाला कसेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर बेहतरीन किस्म का जो है, ये देखें बहुत हैवी मज़ेदार किस्म की छत बनी है, लंबी चौड़ी छत है, ख़त्म ही नहीं होती जनाब। आगे ये विड आएंगे बेहतरीन किस्म के, ऊपर ऊपर ही कबूतरों ने फिरना, नीचे उनका फ़ायदा कोई नहीं है। देखें यहाँ से भी आपको डलवान नज़र आ रही होगी, वो उधर से यूँ उठा दिया है, यहाँ से यूँ करवा दिया, बड़ी बेहतरीन। अभी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जब होगा ना सारा प्लस्तर सारा ये वो, बाकी ये हमारा जाल जनाब पुराना, ये उतरना है, या अभी इस वजह से नहीं उतारा, उसके पीछे भी आपको रीज़न समझ आ ही रही होगी कि नीचे प्लस्तर होना था, ये कबूतर मैं कहाँ डालता, नीचे जाके अपने जोड़ों वाले में तो डाल नहीं सकता, ये जोड़े ख़राब करने थे इन्होंने, इस वजह से फिर ये उतार के इसको ऊपर डाल दिए इनको। अभी दो को दिन इधर नीचे तराई करनी है, जो प्लस्तर हुआ है उसको तराई करने के बाद हफ्ता को सूखने देंगे, उसके बाद कबूतर यहाँ से निकाल के नीचे डालेंगे, ये जाल उतार के तो इसके कटवट करके इसके विड बनवा देंगे, ठीक है। इसी के विड बन जाएंगे, टापे छापे फेरनी है इन्हीं जालों में, जो मेरे दो जाल थे यही अपने इस इस्तेमाल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साथ होता है, इसके नीचे भी सारा मसाला डला, ऊपर ये लगी है, ऊपर मसाला फिर के नीरू कस दिया जाएगा, फिर देखेंगे बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, उम्मीद है कि अच्छा ही काम होगा। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ, बहुत से दोस्त पूछ रहे थे भाई अपडेट किधर रहेगी, तो ये काम हो रहा है। बाकी काम जब बंदा शुरू करवाता है फिर टाइम लगता है, तो जल्दी जो है ना वो कोई नहीं। अभी नीचे बाथ की टाइल वो आई हुई है, वो भी लगनी है, नीचे बाथ का भी काम जो है इंशाल्लाह कल शुरू हो जाएगा, कल जो है बाथ की टाइल वगैरह भी लगवा देंगे, वो अभी लगी नहीं है, मैं ले आया था पर अभी लगी नहीं है, तो वो भी लग जाएगी। दूसरा मिस्त्री साहब अभी नीचे हैं, वो मसाला शाला देख रहे हैं, मसाला बनवा रहे हैं, तो काम अब ऐसे ही होता है जनाब, छोटा छोटा काम है, टाइम लगता है। ये लग जानी थी बड़े दिनों की, ये बारिश की वजह से नहीं लगी, बारिश की वजह से वो सारा काम जो हमारा उल्टा सीधा हो गया, वो इधर इतना गारा इतना बन गया था पाऊँ, आपने देखा था वीडियो में पूरा ऐसा खूब बन गया था, तो फिर वो जो है सिलसिला इस तरीके से हमारा बन गया, तो इस वजह से फिर जो है ना सारा ये सिलसिला। बाकी अभी ये देख लें, मतलब कि कह लें दो दो रद्दे जो है ना, दो दो रद्दे वो नीचे दब गए हैं, मिट्टी जो है चार चार इंच मिट्टी डाल दी हमने, फिर ऊपर नीचे फोम आ गया हमारा थर्मोकोल, उसके ऊपर हमारे टाइलें लग गई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा नीचे अब हीट नहीं जाएगी और बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनेगा। बाकी वो सरिया देख लें थोड़ी थोड़ी ऊपर रह गए हैं, तो ये सारी प्लानिंग के साथ जो है किया सारा काम, बाकी अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हमें नसीब करे जनाब, तो सारी बात नसीबों की होती है, अल्लाह ताला जो है दे सबको ही देता है, पर साथ में जो है वो उसका क्या नाम है, इसको जो है बरतने का भी दे हौसला जो है ना, ज़िंदगी मोहलत के साथ ही सारी चीज़ें अल्लाह ताला सब के नसीब में करे, और जिस जिस के दिल में जो जो ख्वाहिश अल्लाह ताला सब की पूरी करे जनाब, और सबका शौक अच्छा हो, जिस तरह मैं जो है अपने ख़र्चे पर जो शौक कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आप सबको भी जो है ना अपने ख़जानों से ज़्यादा ज़्यादा दे, ताकि आप दोस्त भी सारे जो हैं वो खुले डुले तरीके से अपना शौक जो आपके दिल में पूरा करे। अल्लाह ने हमें दिया तो जिस तरह जो है अल्लाह का शुक्र है, पहले जॉब करते थे तब नहीं इतना पैसा होता था, जब बिज़नेस शुरू किया तो अल्लाह का करम हो गया, तो इसी तरह से है। तो आप दोस्त भी मेहनत करें, खुद कमाएं, लगाएं,
ठीक है, दूसरों पे ना रहिएगा, खुद कमाइएगा, फिर कदर भी होती है बंदे को। बंदे को पता है मैं कमा के किस तरह घर ले के आया हूँ, ठीक है। फिर बंदा जब लगाता है तो बड़ा सोच समझ के लगाता है। तो ये इस तरीके से ये काम हो रहा है, तो ये है। फिर दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको शौक अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी ये रश वाला एरिया सारा जाल ने जाल ही जाल है, इर्द गिर्द घर के साथ घर है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह शौक करेंगे आपको। यहाँ पे मैं कबूतर उड़ा के दिखाऊंगा और बड़े अच्छे इंशाल्लाह गर्मी का शौक ही यहाँ से करना है। तो आपको अच्छे टाइमों में कबूतर बैठा के भी दिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। तो आप देखिएगा कैसा जेन्युइन सा शौक होता है हमारा, बड़ा बेहतरीन शौक होगा। जोड़े अपने लग गए हुए हैं। और फिजान का भी मुझे फ़ोन आया था, वो कह रहा था बच्चे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, वो बच्चे बुच्चे ले जाना। मैंने कहा अभी तो थोड़ा खुडे छुडे ही नहीं बने, तो अब बच्चे कहाँ से ले जाऊँ। बाकी मोहसिन भाई भी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा बच्चे शिचे रेडी हो गए हैं, बच्चे ले जाओ। तो हमारे यार दोस्त जो हैं उन्होंने पहले बच्चों का हमें कह दिया कि रेडी हो गए हैं भाई। मैं कहा छत नहीं रेडी है, तुम बच्चे रेडी कर लेने। तो ये सिलसिला, ये पाइप रखा है यहाँ से सारी छत का, इंशाल्लाह पानी जाएगा। नीचे वाला अलग सिस्टम कर दिया, बेहतरीन किस्म की छत। यहाँ पे जो टाप चलेगी ना, टाप देखेंगे आपको मज़ा आएगा, पता लगेगा काम हुआ है, कोई माहौल बनाया छत पे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये देख ले सामने जाल का सिस्टम भी किया हुआ है, इंशाल्लाह वो देखेंगे अभी क्या बनता है, रखना है नहीं रखना। बहरहाल वो मैं चला दिया सिस्टम लगे हाथों, मैंने जो काम और होता है ना वो करवा देना चाहिए, वो मैंने रखवा दिया। तो आपको चीज़ दिखाता हूँ जाल के लिए, वो मुग भी बनाया, वो जगह आखिर में देख रहे हैं। ये जाल के लिए मुग छोड़ा, तो जगह मैंने छोड़ दी भी है, अगर जाल रखना हुआ हमने तो प्लानिंग में है तो सही। बहरहाल वो भी एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्चा है, जाल रखना भी आजकल आपको पता है लाखों का ही खर्चा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया, तो वो भी लगा देंगे, ठीक है। नहीं तो दो माह सब्र कर देंगे, थोड़ा कमा के लगा लेंगे, वो तो कोई फिर ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। वो कौन सा हमें इतनी काली पड़ी है। बाकी उड़ने वाला सिस्टम वो इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी रंग का भी सिस्टम करवाना है, तो वो भी है, वो भी अपनी प्लानिंग में शामिल है। तो पूरा प्लान तो किया हुआ, बस अल्लाह ताला जो है वो सारे काम खैर खरीत से करे, और जो अभी तक अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की हैं उसी तरह से अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ पैदा किए रखे। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे काम होते रहेंगे सबके साथ साथ ही, वक्त के साथ साथ, ज़िंदगी के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और समटाइम ऐसी वीडियो भी आ जाती है, दिल से बात निकलती है, ठीक है, कोई दोस्त का बुरा ना माने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पी मानिल्ला।